एनसीआईएसएम ने इशू किए हैं न्यू इंटर्नशिप रूल इस साल से। क्या है ये इंटर्नशिप रूल? पहला रिलेटेड है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से। इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले आपके पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये कब मिलता है? जब आपका बीएमएस का फोर्थ ईयर का एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो कॉलेज है वो सब टाइमली प्रोसेस करा रहा हो, ताकि आपके इंटर्नशिप में डिले ना आए। अब आते हैं दूसरी चीज पे, दैट इज इंटर्नशिप सर्टिफिकेट वैलिडिटी। ये जो सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, कई लोग इसमें फेक अटेंडेंस करते हैं। कई कॉलेजेस जो हैं वहां पे फेक अटेंडेंस काउंट की जाती है स्टूडेंट्स की ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, की वो इंटर्नशिप में कॉलेज नहीं आए हैं, ड्यूटीज नहीं की हैं, फिर भी उनको फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी पाई जाती है तो इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा कॉलेज के खिलाफ भी और स्टूडेंट के खिलाफ भी। तो अगर ऐसी कोई नॉन कंप्लायंस है तो क्या पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो उनके लिए जो पेनल्टी है दैट इज सस्पेंशन ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो जो सस्पेंड कर दिया जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन, उनको फिर से इशू करना होगा, फिर से इंटर्नशिप करनी होगी, ये उनके लिए पेनल्टी है। कॉलेजेस के लिए क्या पेनल्टी है? बिकॉज कई बार ये एक्टिविटीज जो है वो कॉलेज के पूरे रिस्पेक्ट में ही होती हैं, तो ये जो पेनल्टी है दैट इज ₹5 लाख पर स्टूडेंट जो कि एक कॉलेज को देनी होगी। अदर देन दैट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन भी आने वाला है, जिसमें कि जितने स्टेट मेडिकल काउंसिल्स हैं, जितने बोर्ड्स हैं, वो सब असेस करेंगे कि क्या इंटर्नशिप सही तरीके से चल रही है कि नहीं। सो ये चीज आप सब ध्यान रखें, एंड स्टूडेंट्स जो है इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि अगर उनके कॉलेज में ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए जरूर स्टैंड लें।